तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म लौंग लत्ते की मिठाई बनके तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौंग लत्ता, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लौंग लत्ते की मिठाई बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने आधा केजी के आसपास मैदा लिया है और उसमें मोयन के लिए 100 ग्राम हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहे तो इसमें घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे डाल के अच्छे से मिलाएंगे पहले। उसके बाद ये देखिए हमारा मोयन अच्छे से हो गया है। ये इसको हम लोग मोम भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसे पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे और इसका डो इस प्रकार से तैयार करेंगे कि ये ज़्यादा ना ही गीला हो ना ही ज़्यादा टाइट। तो उसके लिए हमने लौंग लत्ते में डालने के लिए हमने खोया लिया है, लगभग खोया है 250 ग्राम के आसपास, और 4 से 5 इलायची और 15 से 20 लौंग। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे इसके लोई तैयार कर लेंगे। आपको जैसा साइज रखना हो उस प्रकार से आप लोई का साइज रखें। फ्रेंड्स, लौंग लत्ते को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे लौंग लतिका या लवंग लतिका भी कहा जाता है। हम लोग के साइड में लौंग लता इसे बोलते हैं, अपने बिहार साइड में। तो इस प्रकार से हम लोई करके रोटी की तरह बेल लेंगे, बिल्कुल रोटी के शेप में, और इसे हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और इसमें हमने खोए को डालना है। खोए में हमने थोड़ी सी किशमिश डाला था फ्रेंड्स, और आपको मीठा कम ज़्यादा पसंद हो तो खोया में आप उस हिसाब से आप चीनी डाल लें। हमने इसमें पिसी हुई चीनी लगभग 50 ग्राम के आसपास डाला है 250 ग्राम के खोए में। तो आपको जैसा मीठा पसंद हो, तो इस प्रकार से हम डाल के और कुछ इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, इसे बनाना बिल्कुल आसान है और सबसे जल्द बनने वाली मिठाई ये लौंग लत्ता की मिठाई। कोई भी अपने घरों में आसानी से इसे बना सकता है। इस मिठाई को देखिए इस प्रकार से फिर दूसरे साइड से ऐसे फोल्ड करना है और जहाँ भी इसे चिपकाना हो थोड़ी सी पानी लगा के उंगली में, उसके बाद इसे लगा के उसके बाद हल्की सी प्रेस कर लेंगे इसमें। तो इस प्रकार से दोनों उंगलियों को नीचे डालेंगे हम और इसमें थोड़ी सी हम पानी लगा लेंगे और दोनों उंगली को नीचे डाल के कुछ इस प्रकार से हम ऊपर से इसे थोड़ी सी प्रेस करके इसमें डाल देंगे। हल्की सी प्रेस करेंगे हम और इसमें हम लौंग के सहारे से इसे फंसा लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा लौंग लत्ता का शेप बन के तैयार है ना। बिल्कुल बिल्कुल आसान बनाना। इसी प्रकार से हमने सारे लौंग लत्ता को बनाया है, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इसे भी उसी प्रकार से हम बनाएंगे। ये बहुत ही आसान मिठाई है बनाना। तो अब हम चाशनी कर लेंगे। चाशनी के लिए हमने लगभग इसका जो मात्रा रखनी है ये लगभग आधा केजी हमने मैदा लिया है, तो चीनी भी लगभग आधा केजी के आसपास हम लेंगे। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चलेगा। और जितना हम चीनी डालेंगे जिस भी बर्तन से उसी बर्तन से हम पानी भी उसी मात्रा में डालेंगे, ये लगभग पानी बराबर होगा। तो एक कटोरी हमने चीनी डाला था और एक कटोरी के आसपास हमने पानी डाला है और इसमें लौंग और इलायची कुछ डालेंगे खड़ी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे सा आए। तो ये देखिए हमारा चाशनी बन चुका है। और चाशनी को हमें बिल्कुल पतला भी नहीं करनी है और ना ही बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ी, कुछ इस प्रकार के शेप में हमें रखना है चाशनी को। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार का चाशनी हमें रखना है। तो अब हमें कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे और लौंग लत्ते को डालेंगे इसे फ्राई होने के लिए, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छे से इसका अंदर भी पक जाए
नहीं तो तेज फ्लेम पे ऊपर से पक जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इसे पलटते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए हमारा लगभग अच्छे से पक चुका है। एक लौंग लते का थोड़ा सा पतला होने के कारण इसका खोया थोड़ा सा निकला है, तो आप थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तो ये देखिए हमारा फाइनली फ्राई हो चुका है लौंग लता। अब हम इसे गरम की हुई चाशनी में डालेंगे और चाशनी को हम ज़्यादा गरम भी नहीं रखेंगे, ये लगभग हल्का सा गरम होना चाहिए और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक डाल के रखेंगे। हमने ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई थी यहाँ पे। तो ये देखिए हमने डुबो के छोड़ दिया, इसे लगभग 20 मिनट तक इसे चाशनी में भीगने देंगे अच्छे से, ताकि ये अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। इसी प्रकार से हमने सारे लौंग लता को फ्राई करके इसे चाशनी में डालते रहेंगे। ये देखिए हमारा ये लौंग लता अच्छे से पक चुका है। आप इस रेसिपी को अपने घर पे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे आसानी तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है और खाने में लौंग लता का टेस्ट तो आप लोग को मालूम ही होगा। तो ये देखिए हमारा फाइनली पक चुका है लौंग लता। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा झटपट बन के तैयार है लौंग लता की मिठाई। तो आप भी फ्रेंड्स इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, ये देख के बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप चाहे तो लौंग को पीस के भी आप चाशनी में डाल सकते हैं इसकी फ्लेवर के लिए, या खोया में भी थोड़ी सी मिला सकते हैं लौंग पीस के। तो कैसी लगी ये रेसिपी फ्रेंड्स, ये लौंग लता की मिठाई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो हमें कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।